झारखंड में सरकार ने बालू बंद कर रखा है, इसके बावजूद बालू का कारोबार जारी है। बालू को लेकर लोगों में खुशी और संघर्ष दोनों ही है। हाल ही में पतरातू से सटा हुआ क्षेत्र छापर में बालू को लेकर कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बावजूद बासल थाना क्षेत्र के बलकुदरा पंचायत भवन के पास बालू आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे गिर रहा है बालू, लेकिन रामगढ़ जिला के बासल थाना क्षेत्र में बालू का खुला खेल जारी है। जब झारखंड में बालू का टेंडर हुआ ही नहीं, अब बालू का कार्य बंद है राज्य सरकार के द्वारा, तो फिर बलकुदरा पंचायत में बालू कैसे गिर रही है? जी हां, एनजीटी जहां पर लागू है, आप देखते हैं ये बलकुदरा पंचायत भवन के समीप जहां पर भारी पैमाने पर बालू गिरी है। बासल थाना क्षेत्र का यह मामला है। विकास तो होना चाहिए, लेकिन सवाल है कि बालू कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, यह भी चर्चा का विषय है। हमने यहाँ के जो मुखिया है उनसे जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि हमारा क्षेत्र से बालू विभिन्न क्षेत्रों में जाता है, यानी कि बालू ये पतरातू का रास्ते से होकर और बलकुदरा का जो ओवरब्रिज है, जो जिंदल का ओवरब्रिज है, उसी क्षेत्र में कई रूटों में बालू सप्लाई किया जाता है। कहीं कहीं बालू जो चल रहा है ये बालू अवैध धंधे से चल रहा है, बालू काफ़ी महंगा बिक रहा है। ऐसे में सरकार अगर बालू का कार्य को चला जाती है तो बालू का सरकार टेंडर क्यों नहीं पास कर रही है, बालू का प्रक्रिया क्यों शुरू कर रही है, क्यों सरकार योजना तो निकाल रही है लेकिन योजना में बालू का कार्य लिखा पढ़ी में बंद है। लेकिन हकीकत आप देख सकते हैं कि बालू अवैध तरीके से किस प्रकार से फल फूल रहा है, यह देखने वाली बात है। आप देखना कि झारखंड सरकार इस मामले पर क्या संज्ञान लेती है, जहां पर लगातार बालू को लेकर के खूनी संघर्ष जारी है, वहीं पर आए दिन लगातार घटनाएं घट रही है। हिंदी के छापर क्षेत्र में जिस प्रकार घटना घटी है, अब देखना है कि पतरातू जो क्षेत्र है, जो सटा हुआ क्षेत्र है हिंदी गिर से, वहाँ भी किसी भी प्रकार का कोई तांडव ना हो जाए। इस ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन को बालू पर अंकुश लगाने की जरूरत है। रफ्तार मीटर के गुड्डू पांडे, भुरकुंडा, बलकुदरा।